हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखेंगे एसएसएच वर्क कैसे करता है। लास्ट वीडियो हमने एसएसएच के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि एसएसएच क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं और इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एसएसएच वर्क कैसे करता है। जब भी कोई क्लाइंट मशीन किसी सर्वर को एसएसएच की सहायता से रिमोटली एक्सेस करती है तो उस सर्वर और क्लाइंट के बीच में एसएसएच कनेक्शन दो फेज में एस्टैब्लिश होता है। पहले फेज में सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक सिक्योर चैनल एस्टैब्लिश होता है। सेकेंड फेज में यूजर ऑथेंटिकेशन वर्क करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में सिक्योर चैनल या सिक्योर इंक्रिप्टेड कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे होता है। सर्वर और क्लाइंट के बीच में सिक्योर चैनल एस्टैब्लिश होने की शुरुआत एक नेगोशिएशन से स्टार्ट होती है, जिसमें सर्वर और क्लाइंट ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा इंक्रिप्शन मेथड यूज करेंगे सिक्योर चैनल एस्टैब्लिश करने के लिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है सर्वर जो इंक्रिप्शन मेथड यूज कर रहा हो वो क्लाइंट सपोर्ट ना करता हो और जो क्लाइंट यूज कर रहा हो वो सर्वर सपोर्ट ना करता हो। तो इसके लिए आपस में डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन सा इंक्रिप्शन मेथड यूज करें जो क्लाइंट और सर्वर दोनों सपोर्ट करते हैं। एसएसएच प्रोटोकॉल को डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि वो लगभग सभी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के साथ वर्क कर सकता है और यहां पर क्लाइंट और सर्वर डीपी हेलमैन एल्गोरिथम की सहायता से एक सेशन की नेगोशिएट करते हैं और इसी की सहायता से क्लाइंट और सर्वर के बीच का सेशन इंक्रिप्ट होता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए सर्वर सबसे पहले उसकी होस्ट की क्लाइंट को सेंड करता है। उसके बाद क्लाइंट एक सेशन की जनरेट करता है और उसके बाद उसको सर्वर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करता है। सेशन की को सर्वर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करने के बाद में क्लाइंट उस इंक्रिप्टेड सेशन की को सर्वर को सेंड करता है। उसके बाद सर्वर उस इंक्रिप्टेड सेशन की को उसकी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करता है। सेशन की को डिक्रिप्ट करने के बाद में सर्वर एक कंफर्मेशन मैसेज सेंड करता है क्लाइंट को। ये कंफर्मेशन मैसेज सेंड करने से पहले सर्वर इस कंफर्मेशन मैसेज को सेशन की से इंक्रिप्ट करता है और उसके बाद में उस मैसेज को क्लाइंट को सेंड करता है। अब इसके बाद यहां से सर्वर और क्लाइंट के बीच का एंटायर सेशन इस सेशन की से इंक्रिप्टेड होता है। इस सेशन की का यूज एसएसएच सर्वर और क्लाइंट के बीच के सेशन को इंक्रिप्ट करने के लिए करता है। इस सेशन की को जनरेट करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट की का जो पेयर यूज होता है वो एसएसएच की बेस्ड ऑथेंटिकेशन में यूज होने वाले पब्लिक और प्राइवेट की के पेयर से टोटली अलग होता है। यानी यहां पर यूज होने वाली पब्लिक और प्राइवेट की एसएसएच की बेस्ड ऑथेंटिकेशन में यूज होने वाली पब्लिक और प्राइवेट की से टोटली अलग होती है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। और यहां पर जो सेशन की जनरेट होती है जिसे सीक्रेट की भी बोला जाता है, ये एक सिमेट्रिक की होती है। इसे सिमेट्रिक की इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वर और क्लाइंट इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इसी की को यूज करते हैं। यानी किसी भी मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए या फिर डिक्रिप्ट करने के लिए इसी की का यूज होगा, इसलिए इसे सिमेट्रिक की बोला जाता है क्योंकि ये दोनों फंक्शन के लिए यूज हो रही है। इस की को जनरेट करने का मेन पर्पज सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक सिक्योर इंक्रिप्टेड टनल एस्टैब्लिश करने के लिए होता है, ताकि सर्वर और क्लाइंट के बीच का कम्युनिकेशन इस टनल की सहायता से इंक्रिप्टेड रहे, कोई भी थर्ड पर्सन या आउटसाइडर इस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं बन सके, इसके लिए इस की का यूज होता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच सिक्योर इंक्रिप्टेड टनल
एस्टैब्लिश होने के बाद में यूजर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट होता है। अब यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है वो देखिए, एसएसएच में यूजर ऑथेंटिकेशन के दो मेथड हैं। पहला है ट्रेडिशनल पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, दूसरा है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। एसएसएच में यूजर ऑथेंटिकेशन को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए की बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज होता है। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन ट्रेडिशनल पासवर्ड से ज्यादा सिक्योर होता है। ट्रेडिशनल पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्लाइंट एक यूजर नेम और एक पासवर्ड सर्वर को सेंड करता है और उसके बाद सर्वर उस यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करता है और उसके बाद क्लाइंट को एक्सेस देता है। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन में पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज होता है और की बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए एसएसएच एसिमेट्रिकल ऑथेंटिकेशन यूज करता है। इसे आप एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन भी बोल सकते हो और एसिमेट्रिकल सिफर भी बोल सकते हो। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन वर्क कैसे करता है ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सिफर होता क्या है। व्हाट इज सिफर? इन क्रिप्टोग्राफी सिफर एक एल्गोरिथम होती है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करती है, या फिर दूसरे शब्द में कहें तो सिफर एक फंक्शन होता है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करता है। इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट या अनइंक्रिप्टेड टेक्स्ट भी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि सिफर या इंक्रिप्शन के टाइप कितने होते हैं। तो दो तरह के इंक्रिप्शन यूज होता है, सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन। अब सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है और एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन। सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन वो इंक्रिप्शन है जिसमें डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की यूज होती है, यानी जिस पर्सन के पास में वो की होगी वो पर्सन उस डेटा को इंक्रिप्ट भी कर सकता है और डिक्रिप्ट भी कर सकता है। इस तरह के इंक्रिप्शन को शेयर्ड सीक्रेट इंक्रिप्शन या सीक्रेट की इंक्रिप्शन बोला जाता है। इस तरह के इंक्रिप्शन में एक सिंगल की ही यूज होती है जो सभी ऑपरेशन परफॉर्म करती है। दूसरे शब्द में कहें तो सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन एक फंक्शन होता है जो दो पर्सन के बीच में शेयर किया जाता है और वो फंक्शन डेटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। अब बात करते हैं एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन के बारे में। एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन टोटली डिफरेंट होता है सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन से। एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन में एक सिंगल डायरेक्शन में डेटा सेंड करने के लिए एक की पेयर यूज होता है जिसमें एक की को बोलते हैं प्राइवेट की और दूसरी की को बोलते हैं पब्लिक की। पब्लिक की आप किसी भी पर्सन के साथ में पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट की किसी भी पर्सन के साथ में शेयर नहीं की जाती, ये ध्यान रखिएगा आप। प्राइवेट की होती है, उसको किसी भी दूसरे पर्सन के साथ में शेयर नहीं किया जाता है। यानी जैसे कोई क्लाइंट है वो पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करता है, तो वो पब्लिक की किसी भी पर्सन के साथ में शेयर कर सकता है, लेकिन प्राइवेट की किसी भी पर्सन के साथ में शेयर नहीं कर सकता है। वो प्राइवेट की उसके पास ही रखेगा, वो किसी भी दूसरे पर्सन को प्राइवेट की शेयर नहीं करता है। पब्लिक की का यूज डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है और प्राइवेट की का यूज डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। अब यहां पर देखिए एसिमेट्रिकल इनक्रिप्शन में क्या हो रहा है, यहां पर डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए अलग अलग की का यूज हो रहा है, जबकि सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन में डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की का यूज हो रहा था। इसलिए एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन ज्यादा सिक्योर होता है सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन से। यानी एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन में जो डेटा पब्लिक की से इंक्रिप्ट होता है वो डेटा उस पब्लिक की पेड की प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा, दूसरी किसी भी की से वो डेटा डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। इसलिए एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन को ज्यादा सिक्योर माना जाता है। एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन वन वे एबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि जो कि
इंक्रिप्शन के लिए यूज हो रही वो केवल डेटा को इंक्रिप्ट ही कर पाएगी, वो डेटा को डिक्रिप्ट कभी भी नहीं कर पाएगी। और जो कि डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज हो रही वो हमेशा डेटा को डिक्रिप्ट ही कर सकती है, वो कभी भी डेटा को इंक्रिप्ट नहीं कर सकती। सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है इसको हम एनिमेशन की सहायता से समझ लेते हैं तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे दो पर्सन है जॉन और बॉब, तो जॉन के पास में एक बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट जॉन बॉब को सेंड करना चाहता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ही सेंसिटिव है इसलिए जॉन क्या करेगा इसको इंक्रिप्ट करके बॉब को सेंड करेगा। जैसे ही ये डेटा बॉब के पास सेंड होगा तो बॉब देखेगा कि ये डेटा तो इंक्रिप्टेड है, इसको मैं रीड नहीं कर सकता, तो ये जॉन को पूछेगा कि इसको डिक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड क्या है या फिर इसको डिक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का यूज होगा। तो जॉन बोलेगा कि इसको डिक्रिप्ट करने के लिए जो की चाहिए वो मेरे पास है और इसको मैं आपको मेल के थ्रू सेंड कर देता हूं। उसके बाद जॉन उस की को बॉब को मेल करेगा। जब जॉन इस की को बॉब को मेल कर रहा है तो हो सकता है मिडिल में कोई स्निफर की को एक्सेस कर ले, तो हो सकता है ये की किसी बॉब को तो सेंड हो, साथ में किसी स्निफर को भी सेंड हो सकती है। अगर ये की किसी स्निफर को सेंड हो जाती है तो वह स्निफर या थर्ड पर्सन भी इस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि इस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए इसी की का यूज होगा और ये की बॉब के पास भी है और इस स्निफर के पास भी, तो बॉब और स्निफर दोनों इस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन में ये प्रॉब्लम आता है कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक सिंगल की यूज हो रही है, जिस की से डेटा इंक्रिप्ट हो रहा है वही की डिक्रिप्ट करने के लिए भी यूज हो रही है। तो हो सकता है मिडिल में उस की को कोई भी चुरा सकता है, इसलिए सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन को एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन से लेस सिक्योर कहा जाता है। अब एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है वो देखिए। जैसे ये क्लाइंट मशीन है और ये एक सर्वर मशीन, ये एसएसएच क्लाइंट इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले एसएसएच क्लाइंट क्या करेगा, इसकी पब्लिक की को सर्वर के पास में सेंड करेगा। जैसे ही पब्लिक की सर्वर रिसीव करता है तो सबसे पहले सर्वर ये चेक करेगा कि ये की रजिस्टर मेरे पास रजिस्टर है या नहीं। अगर ये से की मिल जाती है तो ये क्लाइंट को बोलेगा हाँ मुझे की मिल गई है, चलो अब आपको वेरीफाई करते हैं। तो उसके बाद एसएसएच सर्वर इस क्लाइंट को वेरीफाई करता है। इस क्लाइंट को वेरीफाई करने के लिए एसएसएच सर्वर एक न्यू की जनरेट करता है जो बहुत ही सीक्रेट की होती है। इस सीक्रेट की को जनरेट करने के बाद में एसएसएच सर्वर इस सीक्रेट की को इस क्लाइंट ने जो पब्लिक की सेंड की थी उस पब्लिक की से इस सीक्रेट की को इंक्रिप्ट करता है, और इंक्रिप्ट करने के बाद में इस सीक्रेट इंक्रिप्टेड की को क्लाइंट को सेंड करता है। उसके बाद क्लाइंट इस सीक्रेट इंक्रिप्टेड की को डिक्रिप्ट करता है उसकी प्राइवेट की सहायता से, क्योंकि ये प्राइवेट की उसी पब्लिक की का पेयर होती है जो क्लाइंट ने इस सर्वर को सेंड की थी। उसके बाद एसएसएच क्लाइंट इस सीक्रेट इंक्रिप्ट की को उसकी प्राइवेट की सहायता से डिक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट करने के बाद में एसएसएच क्लाइंट इस सीक्रेट की को एस सर्वर को फिर से सेंड करता है। उसके बाद सर्वर चेक करता है हाँ ये तो वही की जो मैंने सेंड की थी। अगर ये की मैच हो जाती है कि जो सर्वर ने सेंड की थी, अगर ये की वही मिलती है सर्वर को, तो उसके बाद सर्वर इस क्लाइंट को वेरीफाई कर देता है कि आप वेरीफाई हो गए हो। उसके बाद एसएसएच इस क्लाइंट और सर्वर के बीच में टनल क्रिएट करता है और उसके बाद इस टनल में से डेटा सेंड होता है और वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही डेटा सेंड होता है।
तो इस प्रकार एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन वर्क करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन से ज्यादा सिक्योर होता है, और किस प्रकार होता है यह भी शायद आपको इस एनिमेशन से पता चल गया होगा। तो इस वीडियो हमने सीखा कि SSH वर्क कैसे करता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें, और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।